एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट को खूब याद दिलाई है कि आप अर्णब गोस्वामी जो कि सत्ता का चाटुकार पत्रकार है उसके मामले को तुरंत सुन लेते हैं और उसे राहत दे देते हैं, मगर हेमंत सोरेन का मामला जो साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला सुनने से ही इनकार कर दिया। और यह बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अभिषेक मनु सिंघवी से कह चुके हैं कि जब भी राजनेताओं पर इस तरह से ज्यादती होगी तो हम इंडिविजुअल मेरिट्स पर केसेस को सुनेंगे। यह मामला बहुत पेचीदा हो चला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का रवैया और विपक्ष उसकी मैं चर्चा करूंगा। और साथ ही इस चेहरे को याद कीजिए, जस्टिस बेला त्रिवेदी। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं कुछ लम्हों बाद, मगर बीजेपी से एक सवाल, अब क्या इस देश में प्रदर्शन करना भी गुनाह हो गया? दोस्तों चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में जो कथित धांधली हुई है, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए थे, दोनों के वोट्स मिलाकर हो रहे थे 20, मगर फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह जो कि भाजपा का एक सदस्य भी है उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार के 8 वोट काट दिए, उनकी संख्या 12 हो गई और भाजपा की संख्या थी 16 और भाजपा को जिता दिया गया। एक एक नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप वोट काटते हैं तो आपको दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एजेंट्स को बताना होता है, अनिल मसीह ने ऐसा नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी या सड़क पर उतरने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक को दिल्ली पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। सबसे बड़ी बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर पहुंचे तो नजारा देखिए, इस पूरे इलाके को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। वो नजारा कैसा था? और क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि जब जब बीजेपी डरती है तो दिल्ली पुलिस को आगे करती है, सुनते हैं। दोस्तों मामला बहुत हास्यास्पद है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सभी अलग अलग जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके घर के वहां क्या लम्हा था। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से बताया जा रहा है कि क्या अब देश में इमरजेंसी लग गई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, मोदी इतने डरपोक और कायर हैं कि अब जनता की आवाज खामोश करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को अरेस्ट करना शुरू कर चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग विधायकों के घर में पुलिस पहुंची है। किन किन विधायकों के घर पर, एक एक करके मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये विधायक हैं, प्रोमिला गुप्ता। आप देख सकते हैं कि प्रोमिला गुप्ता के घर पर पुलिस पहुंच गई है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। यहां पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले बैठे हैं, सामने प्रोमिला गुप्ता है, आम आदमी पार्टी की पार्षद है ये, ठीक है। इसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अंतुल कोहली के घर के बाहर का नजारा, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरेआम इमरजेंसी लागू हो गई है, बात वहां नहीं रुकती है। अब ये देखिए, पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता के घर पहुंची मोदी पुलिस। पुलिस का कहना है ऊपर से आदेश है, नहीं जाने देंगे प्रोटेस्ट करने। और मैंने आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का नजारा दिखाया था दोस्तों, आपने वहां पर भी देखा था कि किस तरह से पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। सीधी सी बात है दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जो हुआ वो लोकतंत्र का मजाक था। सुप्रीम कोर्ट ने एहसान जतलाते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मुद्दे को सुनेंगे। दोस्तों इसी मंच पर मैंने न जाने कितनी बार डीवाई चंद्रचूड़ साहब के साहसी बयानों के लिए उनकी तारीफ की है, मगर दुख की बात यह है कि कथनी और करनी का फर्क अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। मगर पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से इस मुद्दे पर उग्र हो गई है। आपके स्क्रीन पर प्रियंका कक्कड़ जो कि आम आदमी पार्टी की
प्रवक्ता हैं वो कह रही हैं जो पार्टी सत्ता पाने के लिए चोरी करेगी वो सत्ता पाकर भी चोरी करेगी। सुनिए वो क्या कह रही हैं। आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, वही आज दिल्ली में हो रहा है। आपने देखा कैसे भाजपा सत्ता पाने के लिए लगातार ऑपरेशन लोटस करती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, अब तो वोट चोरी भी करती है, जिसका प्रमाण हम सबके सामने एक वीडियो के जरिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आया। अब कभी कभी ईडी का रूप धारण कर लेती है और आज तो हद ही हो गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, पर भाजपा ने पूरी दिल्ली को एक छावनी में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरह से दोस्तों सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में वोटों की चोरी की। अब बसों को रोका जा रहा है, बसों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिन बसों में भर भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के दफ्तर के बाहर ले जाया जा रहा था, उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर कोई पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है तो उन्हें इस तरह से रोका कैसे जा सकता है? भाई भारतीय जनता पार्टी ने भी तो प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। सारा देश ये बात जानता है और सबने वीडियो पे देखा किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेईमानी की गई, वोटों की चोरी की गई, सब देख सकते हैं। आज उस चीज के खिलाफ भारत के दो राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब भारतीय जनता पार्टी के यहां पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के आम आदमी पार्टी के आईटीओ स्थित ऑफिस पहुंच रहे हैं, मगर जगह जगह पे मैं देख रहा हूं कई साथियों का फोन आया कि हमारे विधायकों को डिटेन किया जा रहा है, हमारे पार्षदों को डिटेन किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, बसों की चाबी छीनी जा रही है। अब प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है, और जब विपक्ष आपातकाल की बात करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है। आप मुझे बताइए ना, क्या यह देश अब लोकतंत्र नहीं रहा? क्या संगोल युग में, क्या अमृतकाल में प्रदर्शन करने का किसी को अधिकार नहीं है? अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ यही कह रही है कि अगर आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में, जो एक छोटा सा चुनाव है, वहां पर यह हालत की है, और वो भी कैमरे के सामने, सबने कैमरे के सामने अनिल मसीह की हरकत देखी थी, तो सोचिए बंद कमरे में जहां ईवीएम्स बंद रहती हैं, वो ईवीएम्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में होती हैं, उनके साथ क्या होता होगा? ये सवाल तो उठाया जाएगा ना। मैं स्पष्ट कर दूं, अब भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, मगर गड़बड़ झाला तो किया ही जा सकता है ना। तो ऐसे में जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो चुनाव आयोग उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। वो जब सड़क पर उतरते हैं उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस देश में हो क्या रहा है। जांच एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती हैं। कल कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी गुजारिश सिर्फ इतनी थी, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अब राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एक एक विपक्ष के नेता को जेल में डाला जा रहा है, और उस वक्त केंद्र सरकार के नुमाइंदे सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि दर्जनों लोग जेल में हैं, मगर भ्रष्टाचार के आरोपों में क्या वो लोग जेल में हैं जो भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं? चाहे अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, हेमंत बिस्व शर्मा जिन पर आरोप थे, वो तो गोद क्या, वो तो मुख्यमंत्री बन गए भाई। मगर जब हेमंत सोरेन का मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया ना दोस्तों, तो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा था। सबसे पहले ये मामला आया जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच के सामने। जस्टिस बेला त्रिवेदी, अब आप कहेंगे कौन है जस्टिस बेला त्रिवेदी, तो मैं इनका परिचय देना चाहता हूं।
जस्टिस बेला त्रिवेदी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं आपको बताऊंगा 2001 से 2014 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तब जस्टिस बेला त्रिवेदी उनकी लॉ सेक्रेटरी थी। यही नहीं, फिर 2016 से 2021 के बीच वो गुजरात हाई कोर्ट की जज थी, वो राजस्थान कोर्ट में अतिरिक्त जज भी रह चुकी हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के बेहद करीबी रही। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आर्टिकल 14 के लिए पत्रकार सौरव दास ने यह रिपोर्ट की है, और सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा यह रिपोर्ट क्या कहती है। पहली बात, जितने भी राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही जाते हैं, जो 2001 से 2014 के बीच में लॉ सेक्रेटरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कम से कम 8 केसेस जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास गए। और सौरव दास की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो नियम कानून है, जो दिशा निर्देश है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के अपने दिशा निर्देश हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, मास्टर ऑफ रोस्टर्स कौन है, यानी कि कौन तय करते हैं कि किस जज के पास कौन सा केस जाए, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। मगर तमाम जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सौरव दास की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है। आवर एनालिसिस ऑफ 8 पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस बिफोर बेंचेस आइदर कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और प्रेसाइडेड ओवर बाय हर रिवील्स वायलेशन ऑफ द 2017 सुप्रीम कोर्ट कन्वेंशन एंड रूल्स। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरह से हर मामला, हर संवेदनशील मामला उनको दिया जा रहा है। इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 5 दिसंबर 2023, उस वक्त जस्टिस संजय किशन की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 2 एक मामले की सुनवाई कर रहा था। और मामला क्या था? केंद्र सरकार जजों के ट्रांसफर में जो देरी कर रही है वो मामला था। मगर रहस्यमय तरीके से उस मामले को उस बेंच से हटा दिया जाता है। उस मामले में जो याचिका करता थे उन्होंने कहा यह तो बहुत ही अजीबोगरीब बात है, मामले को अचानक इस बेंच से ट्रांसफर करके, स्थानांतरित करके कहीं और क्यों भेज दिया गया। तब खुद जस्टिस संजय किशन कौल ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आई विल जस्ट से वन थिंग, आई हैव नॉट डिलीटेड द मैटर, जस्टिस कॉल सेड इन कोर्ट, आई एम श्योर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोज अबाउट इट, सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट अनसेड। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैंने मामले को नहीं हटाया, मैंने मामले को डिलीट नहीं किया। इस बात का जवाब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ दे सकते हैं, कुछ मामलों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह रहा है कि कुछ मामलों के बारे में किस रहस्यमय तरीके से कुछ मामलों को एक अदालत से दूसरी अदालत में, एक बेंच से दूसरी बेंच में, एक जज से दूसरे जज को भेज दिया जाता है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जितना कम कहा जाए उतना सही। मैंने आपसे कहा कि 2017 का सुप्रीम कोर्ट का अपना दिशा निर्देश है, उसका उल्लंघन किया गया है। कौन सा दिशा निर्देश? आपके स्क्रीन पर आर्टिकल 14 की रिपोर्ट कहती है, अंग्रेजी में है और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। रूल नंबर 6 अंडर केसेस कोरम एंड लिस्टिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड ऑफिस प्रोसीजर मैंडेट्स दैट इफ द फर्स्ट कोरम द प्रेसाइडिंग जज इज नॉट अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट द केस शैल बी लिस्टेड बिफोर द जज constituting the second quorum, which is the next senior most accompanying judge of the bench. If the second quorum is also unavailable, the case shall not be listed on that day. हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि रूल नंबर 6 के मुताबिक अगर एक मामला एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आता है और जज मौजूद नहीं है, अगर सीनियर मोस्ट जज नहीं है, तो उनके बाद सीनियोरिटी में जो अगले व्यक्ति हैं वो उसकी सुनवाई करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो मामले को लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये रूल नंबर 6 कहता है सुप्रीम कोर्ट का। और फिर
तमाम जो संवेदनशील मामले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जज के पास जा रहे हैं, वो हैं सम्मानित जज जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री वो लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी। मैं यहां पर जस्टिस बेला त्रिवेदी की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके सामने सिर्फ तर्क रख रहा हूं, वही तर्क जो सौरव दास रख रहे हैं। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो मुद्दा कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर विपक्ष के साथ नाइंसाफी होगी तो हम उस मामले को सुनेंगे जब आप अर्णब गोस्वामी को आजाद कर सकते हैं। तो हेमंत सोरेन के मामले में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध है। मैं सम्मानित जजेस से यह भी कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई के दौरान आपने खुद कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसीज का जो केस है, जो सबूत है, वो एक मिनट अदालत में नहीं टिकेगा। और फिर सम्मानित जजेस ने खुद मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट कर दिया। ये सवाल हैं, पूछे जाने चाहिए नहीं पूछे जाने चाहिए? मेरे मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए बेतहाशा सम्मान है, मगर ये सवाल हैं। नियमों की अनदेखी की जा रही है, कब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खामोश रहेंगे? चंद्रचूड़ साहब, आप तो बहुत ही साहसी बयान देते हैं ना, फिर क्या वजह है कि आप जो कि मास्टर ऑफ रोस्टर्स हैं, आप जो कि यह तय करते हैं कि किस जज के पास कौन सा केस जाए, हर राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास जाता है? ये सवाल हैं, ये किए जाएंगे। ईडी के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल किए जाएंगे। अगर ईडी 100 केसेस करती है, 100 छापेमारियां करती है, तो 100 में से 97, 100 में से 97 केसेस विपक्ष के होते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं जाते जाते, पेटीएम को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कड़े तेवर अपनाए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी दिखाई दे रहा है, मगर क्या ईडी ने पेटीएम पर छापा मारा? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि उनका जो मालिक है विजय शेखर शर्मा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परम भक्त है, उनके गुणगान किया करता था। क्योंकि जब कैशलेस इंडिया की बात की जा रही थी तब यह व्यक्ति सबसे आगे हुआ करता था। आज पेटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्ती की है, मगर जांच एजेंसीज ईडी इनकम टैक्स अब तक विजय शेखर शर्मा या पेटीएम के दफ्तर नहीं पहुंची है। अब भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करूं कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं और हेमंत सोरेन को जो टारगेट किया जा रहा है वो मामला भ्रष्टाचार का है। वो एक पुराना विज्ञापन है ना, नो उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। उल्लू बनाना छोड़िए, मुद्दे पर आइए, लोकतंत्र का नाम बदनाम मत कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।